गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ बायोलॉजी क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर एट जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और साथ ही साथ नीट एग्ज़ामिनेशन के लिए तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है इन द इम्यून सिस्टम आर अ पार्ट ऑफ डैश आई रिपीट माय क्वेश्चन इन द इम्यून सिस्टम इंटरफेर आर पार्ट ऑफ डैश जिसका करेक्ट आंसर है साइटोकाइन बैरियर्स क्लियर है करेक्ट आंसर क्या है साइटोकाइन बैरियर्स नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू है हमारा द लेटर टी इन टी लिम्फोसाइट्स रेफर्स टू डैश

तो हम एंटी हेस्टेमाइन टैबलेट खाते हैं जिसके कारण हमारा जो एलर्जी है वो कम होने लगता है और धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाता है तो वो क्या होता है एंटी हिस्टेमाइन होता है याद रखिएगा जब भी हमें कफ़ या स्नीजिंग होती है हम कौन सा टैबलेट खाते हैं एंटी हेस्टेमाइन टैबलेट ठीक है तो क्या इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा यूज़ ऑफ एंटी हिस्टेमाइन एंड स्टेरॉइड्स गिव अ क्विक रिलीफ फ्रॉम एलर्जी ठीक है नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैंने मार्क भी किया है uh, यहाँ पे मैं बताती हूँ क्वेश्चन क्या है डाई एस ए टाइल मोरफीन इज कॉमनली नोन एज डैश डाई एस ए टाइल मोरफिन इज कॉमनली नोन एज डैश तो इसका करेक्ट आंसर होगा डाई एस ए टाइल मोरफिन इज कॉमनली नोन एज हरोइन हीरोइन आप सब ने सुना होगा हीरोइन वो एक्ट्रेस वाला हीरोइन नहीं हेरोइन एक तरीके का नशा करने का होता है उसको हम लोग डाई एसेटाइल मोरफिन भी कहते हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा ओपियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डैश ओपियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डैश जिसका करेक्ट आंसर है पापावर सोमिनिफेरम आई रिपीट ओपियम इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पापावर सेमिनीफेरम ठीक है नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर सिक्स है स्टूडेंट्स हमारा द डिजीज चिकन गुनिया इज़ ट्रांसमिटेड बाय डैश तो ये जो क्वेश्चन है वो आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है एम सी क्यू में सच एस इन द ब्लैंक जैसे मैं बता रही हूँ वैसे भी पूछा जा सकता है ट्रू एंड फॉल्स में भी पूछा जा सकता है बट ये क्वेश्चन है इम्पॉटेंट मैंने भले मार्क यहाँ पर ना किया हो बट ये इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है द डिज़ीज़ चिकन इज़ ट्रांसमिटेड बाय डैश तो इसका करेक्ट आंसर है एडीज मस्किटोज़ एडीज मोस्कीटो जो होती है जिसके कारण हमें चिकन बीमारी होती है मच्छर के द्वारा होती है मस्किटो के द्वारा आपको मुझे पता है कि आप लोगों को पता है चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन है वेनोम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन कंटेन्स डैश जिसका करेक्ट आंसर है एंटीबॉडीज वेनोम स्नेक पॉइजन कंटेन्स एंटीबॉडीज क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट है डैश इज ग्लैंड इन लार्ज साइज एट बर्थ बट रेड्यूज इन साइज विथ एजिंग आई डू रिपीट माई क्वेश्चन डैश इज ग्लैंड इज डैश इज ग्लैंड इज़ लार्ज ग्लैंड एट बर्थ बट रिड्यूस इन साइज विथ एजिंग यानी कि हमारा ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो कि हमारे जन्म लेने के समय में बड़ा होता है और जब हम धीरे धीरे जब बड़े होने लगते हैं तो वो ग्लैंड हमारा छोटा हो जाता है वो कौन सा ग्लैंड है तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा थाइमस ग्लैंड जो है वो जन्म के समय में बड़ा रहता है और जैसे जैसे हम एडल्ट हो जाते हैं वो ग्लैंड छोटा हो जाता है ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है तो ये ध्यान रखिएगा नाउ नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन है हमारा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय डैश आई रिपीट माय क्वेश्चन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय डैश जिसका करेक्ट आंसर है टी सेल्स टी सेल्स जो होता है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन है अमंग नन इन्फेक्शियस डिजीज डैश इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ ऐसा कौन सा डिजीज के कारण ऐसा कौन सा नॉन ऐसा कौन सा नॉन इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है जिसके कारण मेजर दर्द होता है मतलब सबसे ज़्यादा दर्द होता है ऐसा कौन सा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है सोचिए तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूँ कैंसर एक तरीके का नॉन इन्फेक्शियस डिज़ीज़ है जिसके कारण बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है बहुत ही ज़्यादा लोग डेथ हो जाते हैं मेजर कॉज ऑफ डेथ है कैंसर क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन है डैश टेस्ट इज परफॉर्म टू कन्फर्म टाइफॉइड तो इसका करेक्ट आंसर होगा वाइडल टेस्ट इज़ परफॉर्म टू कन्फॉर्म टाइफॉइड कौन सा टेस्ट होता है वाइडल टेस्ट इज परफॉर्म टू कन्फर्म टाइफॉइड करेक्ट आंसर है वाइडल लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है हमारा प्लाज्मोडियम इंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज डैश ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्लाज्मोडियम इंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजाइड स्पोरजाइड बनकर के हमारे बॉडी में एंट्री करता है ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टीन डैश इज़ फाइलेरियल वाम कौन सा फाइलेरियल वाम होता है वस्चेरिया वुस्टेरिया इज फाइलेरियल वॉम आप सबने सुना ही होगा वस्चेरिया वेनकॉफ्टाई जिसके कारण बहुत सारी पैर की बीमारी हो जाती है एलिटे एलेफेंटे, एलिफेंटेटिस हो जाता है लेस मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है डैश आर द फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट डेटकॉस कैंसर कैंसर किस तरीके से हमें होता है कैंसरजेंस आर द फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट डेटकॉस कैंसर किस तरीके से हमें कैंसर होता है कारसिनोजेंस से ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है डैश इज द टॉक्सिक रिलीज बाय द रप्चर ऑफ आर बी सी रेड ब्लड सेल्स अर्थ्रियो इन टू ब्लड इन मलेरिया इनफेक्टेड पर्सन आई डो रिपीट माई क्वेश्चन डैश इज टॉक्सिंग रिलीज बाय द रप्चर ऑफ आर बी इन टू द ब्लड इन मलेरिया इनफेक्टेड पर्सन जिसका करेक्ट आंसर है होमोकॉइन क्या करेक्ट आंसर है होमोक्वाइन होमोक्वाइन इज होमोक्वाइन इज डिटॉक्सिंग रिलीज बाय द रप्चर ऑफ आर बी सीज इन टू द ब्लड इन मलेरिया इन्फेक्टेड पर्सन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है डैश डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस तो इसका करेक्ट आंसर होगा विलियम्स हार्वे ने डिस्कवर्ड किया था ब्लड सर्कुलेशन ह्यूम्स में आप सभी ने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो वहाँ पे लिखा भी हुआ है विलियम्स हार्वे डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस तो इसका करेक्ट आंसर यहीं पे होगा विलियम्स हार्वे लाउ नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज वेरज डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ नन इन्फेक्शियस डिजीज तो इसका आंसर होगा एड्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ वेर एस कैंसर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नन इन्फेक्शियस डिजीज़ ठीक है आई डू होप स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा आप सभी को मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाई हूँगी और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना कोई सा भी अगर आपको डाउट लगा हो इस चैप्टर में चैप्टर नंबर एट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मैं आप लोगों का आंसर कर दूंगी और आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगी तो इसी के साथ स्टूडेंट्स जय हिंद वंदे मातरम स्टे हैप्पी स्टे सेफ